व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त वटा पराठा पे हूँ और आज इनकी स्पेशल इनविटेशन पे हम वटा पराठा पे आए हैं और इन्होंने आज गज़ल नाइट का इंतज़ाम किया हुआ है, तो मैंने कहा चलें हम आपको लाइव भी दिखाएंगे और कुछ इसकी वीडियो भी शूट करते हैं, फिर इसको मैं अपने चैनल पे अपलोड भी करूँगा। और अभी मैं भाई से मिलते हैं, ये यहाँ के बड़े पुराने कस्टमर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम, आप सुनाइए। ज़बरदस्त। बिलाल भाई? बिलाल जी, बिलाल अशरफ। बिल्कुल बिलाल भाई, कितने अरसे से आप आ रहे हैं यहाँ पे? करीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, 3 साल। माशाल्लाह। तो यहाँ क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट करती है? कैसी, कौन सा ऐसा पराठा है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे दोबारा दोबारा आते हैं? तीन चीज़ें हैं। उनमें एक ही है कि इनका माहौल बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त। बाहर बैठते हैं आप खुली फिजा में, चाय बहुत अच्छी है इनकी, कड़क चाय तो आप बेहतरीन, ज़बरदस्त। और पराठे इनके करीबन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछेंगे तो वो इनका जो आलू चीज़ पराठा है, सही, वो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भी आकर खाने की। और प्राइजेस के बारे में, रेट के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो सबसे, मतलब आप ये कह लीजिए कि जो द मेन अट्रैक्शन जी जी देयर प्राइसेस, प्राइसेस क्योंकि ये बहुत क्या कह सकते हैं आपको, लश जगह पर बैठे हैं जहाँ पे प्राइसेस मीटेबल प्राइसेस हैं, अफोर्डेबल हैं, आप आराम से, एक बंदा आराम से आके इज्जत से खाना शाना खा के यहाँ से जा सकते हैं। ज़बरदस्त है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अज़र रब्बानी, कुकिंग विद रब्बानी में आज एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, मैं एक दफ़ा फिर आज वटा पराठा पे आऊँ और वटा पराठा के जो जिया मैं राजा आबिद साहब, उनकी स्पेशल इनविटेशन पे आया हूँ। आज वीकेंड है, हफ्ते का दिन है और आज इन्होंने बहुत ज़बरदस्त गज़ल नाइट का एहतमाम किया हुआ है अपने वटा पराठा पे, तो उसके लिए उन्होंने हमें इन्वाइट किया है। तो आबिद भाई से मिलते भी हैं, इनसे गपशप भी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? सलाम जी, वेलकम जी, आप कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आबिद भाई, दूसरा मेरा ये व्लॉग होगा आप लोगों के साथ, वटा पराठा के साथ। पिछली दफ़ा भी इतफाक से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, आप ही की इन्विटेशन पे आए थे, आज हमने आपको पकड़ लिया है। तो आज आपने हमें पूरा वटा पराठा का बैकग्राउंड बताना है, इसकी हिस्ट्री बतानी है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, किस तरह स्टार्ट हुआ और अब कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज हैं। जी, बड़ी मेहरबानी सरकार, थैंक यू वेरी मच। पिछली दफ़ा मैं टाइम देख के कुछ मसरूफियत थी और निकल गया। देखिए, वटा पराठा के जो हमारे आनर हैं, उस्मान साहब हैं, 3-4 भाई हैं, ये इसमें इमरान साहब हैं, सलमान साहब हैं, ये सब उनकी एक एफर्ट है। लाहौर से इन्होंने एक आइडिया बनाया और वहाँ से इन्होंने इसको लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक 14 ब्रांच जो है उनकी लाहौर के अंदर है, 14 ब्रांचेज लाहौर में, लाहौर के अंदर। बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा रन कर गया। मैं सऊदीया में था, वापस आया तो मेरी मुलाकात नुमान साहब से, सलमान साहब से हुई। तो उस वक्त ये बैरिया सिविक सेंटर फेज 4 के अंदर एक नई ब्रांच थी, उसकी ओपनिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने इनको वहाँ से ज्वाइन किया। उससे पहले मैं सऊदीया में था, मेरे लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं था फूड एंड बेवरेज से, लेकिन वटा पराठा मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो मैं इंटर हो गया जी, ऐसा इंटर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया, काम करने का आया। और जब मैंने प्रैक्टिकल इसके अंदर इंटर हुआ तो मुझे पता चला बहुत ईजी है, और जो आपने मेन्यू देखा होगा बड़ा यूनिक किस्म का मेन्यू है हमारा, और इसके अंदर जितना भी फूड है हमारा बड़ा रीज़नेबल प्राइस है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि फैमिलीज, बचलर्स और माशाल्लाह हमारे जो फार्मर्स हैं, जिसके अंदर गोरे भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, ये सब लोग आके जो है ना इसको बड़ा इन्जॉय करते हैं, ठीक है ये। और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे है बच्चे, माशाल्लाह बड़ी लिमिटेड प्राइस के अंदर उसको इन्जॉय करते हैं और उनको एक फेवरेट डिश बन चुकी है। और मैंने जो देखा कि हमारा अगर एक गेस्ट आ रहा है ना, उसको इसकी टेस्ट सर्विस अगर अच्छी मिल रही है तो वो बार बार अपने दोस्तों को ला रहा है, तो फिर ये एक सफ़र चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इंशाल्लाह सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारी साग डील बड़ी पॉपुलर, जो कि लोग माशाल्लाह उसको बड़ा लाइक करते हैं। देसी माहौल आपको एक मिलेगा, इंशाल्लाह एक देसी टेस्ट मिलेगा आप लोगों को, और यही वजह है कि लोग हमारे पास आते हैं और इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं इस वक्त हफीज़ दरवेश साहब के साथ हूँ, सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं ये रेडियो पाकिस्तान पे, और इतफाक से आज हमें ये वटा पराठा पे मिल गए हैं, तो चलें हम इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हफीज़ साहब, कितने अरसे से आ रहे हैं आप वटा पराठा पे? 4 साल हो गए। 4 साल? तो
वीकली या वीकली कह लें वीकली मतलब कभी तो ये भी होता है कि हो सके लिए हफ्ते में दो दो तीन तीन बार भी आने का इत्तेफाक होता है। तो क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पे बार बार आने के लिए है? वो नासिर काज़मी का एक शेर है कि दोस्तों के दरमियान बचे दोस्ती है तू, तो ये दोस्तों के दरमियान जो है वो कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, ये बैठने की जगह है जहाँ पर बच्चे होते हैं, जबरदस्त दिन भर की फसल उतारते हैं, जहाँ कुछ गलियाँ होती हैं जहाँ पे टाइम एंड स्पेस से निकलने का मौका मिलता है, आप उस पर बैठ के गपशप करते हैं, तो या एक कम्फर्ट घर की तरह के उसे हट के लेकिन घर के पास। और हफीज़ भाई, यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो शौक से आप लेते हैं यहाँ पे? इसमें पराठे के चिकन चीज़ है वो है, बीफ है वो चीज़ वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। चाय और बेसिकली चाय मेन अट्रैक्शन, ये चाय के लिए तो कहीं पर भी जाया जा सकता लेकिन यहाँ की जो चाय है इट अट्रैक्शन बहुत। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स, मैं इस वक्त आरिफ बज़मी साहब के साथ हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत इनकी आवाज़ में सुर है, लय है, और मैं इनको पिछले 20 साल से पर्सनली इनको मैं जानता हूँ। तो आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये हमारे पास आए हैं, तो हम थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आरिफ साहब कितने अरसे से हैं आप इस फील्ड में? इस मुझे तकरीबन 35 ईयर्स हो गए। ठीक, 35 ईयर्स मुझे इस म्यूज़िक के साथ रिलेटेड हूँ और गज़ल गाता हूँ, और इस मैं गुलाम बा साहब का शागिर्द हूँ, और मेहदी हसन साहब, तजी सिंह साहब, गुलाम बा साहब, इस तरह का मैं गुरफान हूँ। तो अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप पहले हमें क्या सुनाएंगे आप? मैं सुनाऊंगा जी एक हमदिया गज़ल है, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपनी सेवा कुछ दिखाई ना दे। सही, तो ये बहुत अच्छी गज़ल है। सही, और ये मैं इस गज़ल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी, और उसके बाद फिर ऐसे ही जैसे जैसे। चलें व्यूअर्स, हम आरिफ साहब से गज़ल सुनते हैं, ये स्टार लेने लगे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं।